राजधानी रायपुर राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय से वीडियो जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। राजधानी रायपुर राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय से 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को शैलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा अपने नींव के पत्थरों को उखाड़ने का कार्य कर रही है। शैलेश ने कहा कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित केंद्रीय मंत्रियों को पद से हटाना यह साफ जाहिर करता है कि भाजपा अब नींव के पत्थरों को हटा रही है। इसके साथ ही शैलेश नितिन ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा है। धर्मांतरण पर भाजपा का आंदोलन दरअसल विषयांतरण की कोशिश मात्र है। डी पुरंदेश्वरी के शर्मनाक बेहुदे बयान, जिसमें छत्तीसगढ़ के मान सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखने वाली सरकार, मजदूर और किसान के ध्यान रखने वाली सरकार पर थूकने और थूक से इस सरकार के बहने की बात कही गई थी, अप्रजातांत्रिक बात कही गई थी, उससे ध्यान हटाने के लिए, विषयांतरण करने के लिए भाजपा ने धर्मांतरण को विषय के रूप में चुना है। दरअसल भाजपा इसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। अगर जरा भी गंभीर होती तो 15 साल के भाजपा के रमन सिंह के सरकार में धर्मांतरण की एक भी तो मामला दर्ज होता। जिन 200 शिकायतों की बात भाजपा के नेता कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा के नेता उन शिकायतों को पब्लिक डोमेन में रखें, भाजपा के नेता उन शिकायतों को राज्य सरकार के सामने रखें और ये देखा जाए कि कहां पर किस कानून का उल्लंघन हो रहा है। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। दरअसल भाजपा का उद्देश्य धर्मांतरण पर रोक है ही नहीं। ऐसा होता तो 15 वर्ष भाजपा ने कुछ अपनी सरकार में किया होता, कुछ तो नहीं किया। और कांग्रेस की सरकार पर झूठे आरोप मढ़ने के लिए, विषयांतरण करने के लिए, पुरंदेश्वरी के बयान से ध्यान हटाने के लिए भाजपा धर्मांतरण की बात कर रही है। पूरे देश में भाजपा एक एक करके अपने नींव के पत्थरों को उखाड़ने में जुटी है। येदुरप्पा, त्रिवेंद्र रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और अब विजय रूपाणी। भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को जिन्होंने भाजपा के लिए अपना जीवन लगा दिया, संगठन में सब कुछ लगा दिया, उनको एक एक करके विस्थापित करने में, उखाड़ने में लगी है। छत्तीसगढ़ के भी वरिष्ठ भाजपा नेताओं के लिए यह चेतावनी है। अब मध्य प्रदेश का नंबर है, शिवराज सिंह चौहान का नंबर है और छत्तीसगढ़ के भी नेताओं का नंबर आएगा। छत्तीसगढ़ के सारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक मंडल में अपनी जगह तलाशने के लिए तैयार रहें।